जय शनिदेव भक्तों, एक बहन हमारे पास आई हुई है, इसकी पूरी व्यथा हम सुन लेते हैं। कहाँ से आई है ये भी बताएगी, कैसे आई है ये भी बताएगी, और क्या क्या इसके साथ हुआ है ये भी बताएगी। दरअसल मनु भैया का जब से दरबार चल रहा है, हमने जो भी किया है वो लोगों की इच्छा से किया, बिना इच्छा के लोगों की कभी भी नहीं किया। लोगों ने कहा हमारी क्रिया करो तो की है, लोगों ने कहा, लोगों ने बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगाए, कई लोगों को हमने जो उनके छुटपुट जो ज़्यादा इल्ज़ाम लगाने वाले थे उनको कहा भी भाई आ जाओ अपने पैसे ले जाओ, लेकिन पैसे लेने कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि किसी में दम ही नहीं था, किसी में ये इच्छा ही नहीं थी, किसी के पास ये प्रूफ ही नहीं था। उन लोगों ने खुद ही वीडियो में इतनी तारीफें कर रखी थी कि वो आ ही नहीं सकते कभी भी, और उनको आराम पड़े थे। हमने दिन रात मेहनत की थी, हमने इतनी मेहनत कर रखी थी उन लोगों के साथ कि वो खुद ही नहीं सोच सकते कितनी मेहनत कर रखी थी, ठीक है ना। और लोग ठीक हुए, बहुत सारे लोग ठीक हुए, अब पुराने लोग हमारे सारे सारे ठीक हैं। कुछ लोग यहाँ से गए कहीं कहीं दरबारों में भटके, उनको दरबारों में भटकने के बावजूद भी कहीं कोई लाभ नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि हम 2.5 महीने बाद वीडियो बनाएंगे इनकी ठीक हुए की, इतने महीने बाद वीडियो बनाएंगे, आज तक कोई वीडियो ठीक होने की नहीं आई। क्यों? क्योंकि कोई आदमी ठीक होता ही नहीं है। दूसरा ये कहा गया कि हमारे ठीक कर होने के बाद कोई अगर प्रेत घुसेड़ दे तो हम 2 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, लेकिन आज तक ना तो प्रेत निकला, घुसेड़ेगा तो कोई जब, जब पिछला कुछ निकला हो बंधन भी नहीं खुलते। एक बात। दूसरा बहन जी से आप पूछते हैं, बहन जी हाँ जी, नाम बताइए। राजबाला बोल रही हूँ मैं, सोनीपत हरियाणा से। हाँ सोनीपत जी, हरियाणा से। हाँ आप जी, ये बताइए मेरे पास क्यों आए हैं? ये जी आपका यूट्यूब में हमने प्रोग्राम देखा हाँ तो इसलिए हम आपके पास अपने बेटे की समस्या के लिए आए हैं। हाँ हाँ जी, देखो ऊपर एक बहन जी बैठी है अपने बेटे को लेके, उसके बेटे की हाजिरी बंद होगी, हमने कल परसों वीडियो डाली थी, हाँ जी, और मेरे ख्याल से 2 दिन में हम उसको ठीक करके भेज भी देंगे। हाँ जी, हमने उनकी प्रॉब्लम 50% से ज़्यादा हल कर दिया है, हाँ जी, और आपकी प्रॉब्लम भी हम ऐसे ही हल करेंगे, हमारे जो बस में होगा। हम हाँ क्योंकि जी, क्या काम करते हैं, हम केवल भूत प्रेत और पितृ दोष का ही काम करते हैं, और दुनिया में सबसे सस्ता काम करते हैं, हाँ जी, ठीक है। अब हमारी 2,000-4,000 रुपये की क्रिया होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, उसके लिए भी हमारी संस्था का अकाउंट है, आपको पर्ची देते हैं बकायदा काट के, ठीक ठीक है जी, है। आप ये बताइए जहाँ 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 आप गए हैं पहले वो बताइए मुझे। पर आपकी पर्ची नहीं कटेगी। मेरा बेटा जी मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट था तो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये मर चुका है, तो वेंटिलेटर पे डाल दिया था। अल्टीमेटर भी फिर उत्तम है रोहिणी सेक्टर 11, हाँ वो बोला कि मैं ठीक कर दूंगा आपके बेटे को। उसके ससुराल वाले उसको लेके आए तो उन्होंने मांगा कि 1,51,000 रुपये लगेंगे। मैंने जैसे तैसे जेवर वगैरह बेच के 1,51,000 रुपये उसको दिए, लेकिन 2 साल हो गए, आप इसको यहीं रखते हमारे पास, जब तो मैं चला देता, अब मैं नहीं चला सकता। एक बात। ठीक जी, हाँ दूसरी बार एक है नरेश कुमार पांचाल, वो है करनाल का, वो यूट्यूब पे ही पढ़ा था हमने, फिर वहां फोन किया, वो घर आए, कहते हाँ हम माता रानी को गाड़ी में बिठा के लाते हैं, इसका किराया भी देना पड़ता है हमें। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मोटरसाइकिल बेच के, और तब मैंने 21,000 रुपये उसको दिए। अच्छा फिर 2-3 महीने के बाद वो बोला कि हम तो, आप ऐसा करो 2 लौंग ले लो, कपूर ले लो, उस पर जला दो, आपका बेटा ठीक होता चला जाएगा। हाँ फिर फोन करते वो उठाते ही नहीं। फिर एक बार मैंने उल्ट सुलट बोल दिया, मैंने कहा हमारे पैसे दे दो वापिस, कहता है यहाँ पैसे अपने यहाँ, यहाँ कोई गदर थोड़ी मच रहा भाई, पैसे लेके वापिस दे दें, हमने काम किया, अब नहीं ठीक होया तो हम क्या करें। फिर जी हमने ये देखा यूट्यूब पे करौली सरकार, वहाँ गए हम, वहाँ कैसे गए, यूट्यूब पे वो बोले कि भाई जिसको जो भी प्रॉब्लम है आप हमारे पास अपना मैसेज भेजो। बेटे ने अपना फोटो, मेरा फोटो हम वहाँ भेज दिया, मैसेज कर दिया, तो वो बोले आपके अंदर तो 100-150 अशुद्धि चीज भरी हुई है, हाँ प्रेत है मतलब प्रेत इतने। है, आपके आना पड़ेगा। हमारे पास उनका मैसेज भी है, सारी चीज है, मैंने वीडियो में दिखाई वो, तो यूं बोलेगा देखो भाई बहन जी आना एक बात, पड़ेगा। चेकिंग की सुविधा उस निकम्मे के पास है नहीं, बिना चेकिंग के ही वो लोगों को 1,000 प्रेत 2,000 प्रेत हाँ जिन जिन्नात बता देता है। जी, एक लड़का हमारे पास आया था, उसको 42 जिन बताए थे। ये दरबार टोटली फेक है, उस आदमी के पास 1 रुपए 1 पैसे की कोई शक्ति नहीं है, तो जी मैं इधर ठीक उधर है। हूँ। केवल एक ही चीज है लोगों को दिखाने के लिए, काले सांड जैसा चेहरा, ठीक है। तो बताओ। फिर मैं गई बेटे को एम्बुलेंस में लेके, 15,000 तो मेरे एम्बुलेंस में लगे। फिर बोला कि मैंने ना वो छड़ी चांदी की ली हुई है, उससे झाड़ा लगा के बोला मैंने अंगूठे में बांध दी है जो चीज थी, और आपका बेटा ठीक हो जाएगा। पूर्वज नहीं बताया आपको? नहीं, कुछ नहीं बताया उसने। अच्छा तो फिर हमने रूम लिया वहां 1,700 रुपये में, हाँ 1,700 में कैसे? डबल रूम था जी, सिंगल के 800 रुपये और डबल रूम के 1,700 रुपये तो हैं। काले सांड की मुंह दिखाई दी आपने, 2,100 रुपये। वो जी 2,100 रुपये का तो 7-8 हवन और 2 अमावस के बाद टोकन मिलता, 2,100 रुपये का।
हाँ इतना काम करने के बाद, मतलब 50,000 रुपए देने के बाद भी हाँ जी मुंह दिखाई के काले सांड को कितने चाहिए? 2100 रुपए। 2100 रुपए चाहिए। बहन जी एक चीज और, आज तक हमें कोई ये नहीं दिखा पाया कि जैसे हमने हवन किट लिया आपके पास, आप कह रहे थे कि मेरे पास हवन किट का प्रूफ है, वो दिखाओ एक मिनट। वो अभी मंगाती हूँ बेटे के पास से। तो हमने 8 हवन किए, 2 अमावस की, पूरी भरी सर्दी में गर्मी में जैसे तैसे करके मेरे बेटे का सांस। वैसे कानपुर जाने का कितना पैसा लगता था यहाँ से? 15,000 रुपए एम्बुलेंस वाला नेट लेता था, राजू एम्बुलेंस वाला है सोनीपत हरियाणा में। तो आपके कितने टोटल पैसे खर्च हुए वहाँ? तो इसका मतलब आप कितनी बार गए वहाँ? कम से कम हमारा कुल 1 लाख से ऊपर टप गए हम। 1 लाख से ऊपर टप गए। वो एम्बुलेंस इसलिए आपका बेटा बैठ नहीं पाता। हाँ जी। से हाँ मुझे ये बताइए, वो दिखाओ मेरे को दिखाओ, वो काला गेंडा जो बिल्कुल सबको पैर दे के चलाता है, अंधों को आंखें दे देता है और जो बैरों को क्या कहते हैं आवाज दे देता है, और गूंगा हमेशा बोलने लगता है जिसके पास जाके, जो कहता है कि यीशु मसीह ने तो एक कोई दृष्टि थी और हमारे यहाँ दरबार में रोजाना चमत्कार होते हैं, अब वो लिखता है कि यहाँ चमत्कार होने बंद हो गए हैं, अब वो लिखता है जो होता है वो प्रकृति के नियम। सुन रहे पिटाई बहुत करूँगा तेरी भी और तेरे गुरु जी की भी। अभी देखियो, देखो ये देखो जी ये किट है। हाँ, जो हमने वहां से किट ली थी ये। हाँ, देखो ये देखो। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं हमें क्या पता भाई हवन किया या नहीं किया। अच्छा ऐसा भी कहते हैं? हाँ जी। तो हमें किट नंबर वहां पे मैसेज करना पड़ता है। अब देखिए वो कभी भी किसी आदमी को 3550 रुपए की पर्ची नहीं देता। दूसरा ये जो किट बनाई हुई है ये अपने बेटे की एक कंपनी खोली हुई है बेटे के नाम से, और उसमें वो किट जो है इतने महंगी बेच रहा है, इतनी महंगी बेच रहा है कि उसके नाम से बहुत ज्यादा संसार से पैसा इकट्ठा कर रहा है, और इसी के बल पे कहता है कि 40 करोड़ की जमीन लूंगा और सीधा सीधा नोट जो है बोरियों में भरने लग रहा है जिसका कोई टैक्स उसका नहीं जाता है, और दवाई नाम से दवाई कंपनी के नाम से आप उसको देखो, आप उसको देखोगे अपनी अलग कंपनी बनाई हुई है बेटे की, और वो कह भी नहीं सकता कि दवाई कंपनी का टैक्स आता है। वो कंपनियां अपने घर वालों के नाम पे अपने बच्चों के नाम पे कर रखी हैं, वो कंपनियां किसी मंदिर के नाम पे नहीं है। इसके बल पे वो बड़ा ऐश्वर्य लूट रहा है और बड़ा धन उसने लोगों से ठग लिया है, और उसके पास 1 रुपए की कीमत की कोई भी किसी की इलाज नहीं है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो यहाँ आएगा वो 300 रुपए में ठीक होगा। और एक कितने में? 300 में। लेकिन क्या ठीक होगा मैं ये भी बता देता हूँ, जिसको प्रेत बाधा है वही ठीक होगी, जिसको पितृदोष है वही ठीक होगी। मनु भैया ना तो कभी किसी को आंख देते हैं ना किसी को कुछ देते हैं। एक लड़की मेरे यहाँ कैंसर की ठीक हुई, 4 मरीज मेरे यहाँ उसके ठीक हुए, डायबिटिक पेशेंट ठीक हुए, और कम से कम 10 मरीज ऐसे ठीक हुए जिनको शरीर पे पूरे के पूरे निशान थे या खाज खुजली रहती थी वो ठीक हुए। लेकिन प्रेत के कारण जो होता है वो ही ठीक होता है, पितृदोष के कारण जो होता है वो ही ठीक होता है, कितने चाहे वो आपके घर में लड़ाई झगड़ा ही क्यों ना हो। अभी देखिए मैं ये दिखाता हूँ ये किटो के नाम के क्या है, ये लोकेट है, वो लोकेट है, ये लोकेट आते हैं करौली सरकार के जो किट लेते हैं। ये कितने का मिलता है? ये 3050 की 3150 की किट है, एक 3150 की एक किट है। उसमें हाँ मिलता कितना सामान है, क्या क्या मिलता उसमें है? थोड़ी बहुत तो एक पाउच हल्दी का होता है, चावल होते हैं, और एक किट में सामग्री होती है, और आधे आधे गोले होते हैं उसके अंदर, थोड़ी लकड़ी होती है। टोटल कितने का सामान होगा वो तो जी अब अंदाजा तो है नहीं, बाकी 3150 रुपए लेते हैं। अब मैं बताता हूँ, मनु भैया 500 रुपए में क्या देते थे? मनु भैया 500 रुपए में 1 किलो गोला, वो भी जिस कंपनी का देते थे, हनुमान कंपनी का देते थे, जिसका गोला पूरी मार्केट में सबसे महंगा है, जो 250 रुपए से लेके 180 रुपए तक चलता है। मैं जब तक काम करता रहा, जब हमारा लॉकडाउन से पहले 180 रुपए वो आया, उससे पहले कभी भी वो 250 से कम नहीं हुआ। 1 किलो गोला एक किट में 500 रुपए की में, जो 250 रुपए का था 240-230 रुपए का था। हवन सामग्री 1 किलो केवल 24 रुपए की। इसके अलावा जो मैं डालता था आपके काजू जो है क्या कहते हैं 1000 रुपए से लेके 1 किलो, और ज्यादा ज्यादा 800 रुपए तक के आते हैं। बादाम 800 रुपए, और इसके अलावा तिल जो है वो 80 रुपए आता है। और इसके अलावा मैं जो डालता था वो मैं बता देता हूँ, काजू, किशमिश, बादाम, छुहारे, और इसके अलावा जो है आपका इंद्रजो, और क्या कहते हैं इंद्रजो के बाद हरी इलायची, ये सब मैं डालता था। और इसके अलावा भी कमलगट्टा के बाद जो है ना एक और महंगा पदार्थ आता है, कपूर, लौंग और हरी इलायची, और एक दो चीजें जायफल वगैरह, एक दो चीजें और जायफल बहुत महंगा आता है, अखरोट,
और सूखा अखरोट और लाल चंदन ये सारी चीजें बेल के टुकड़े और बेल के टुकड़े ये सारी चीजें मेरे हवन किट में होती थी। और देसी घी जो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था, 450 का पड़ता था और मुझे केवल एक क्रिया पे 50 रुपए बचते थे। इस आदमी ने ऐसा हवा मचाया, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया क्योंकि ये सहन नहीं कर पाया कि इससे ऊंचा भी कोई दरबार हो सकता है। मनु भैया को लोग चाहते हैं, मनु भैया के लोग दीवाने हैं। 5.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर हो गए तो इसने जो है डंक मारना स्टार्ट किया क्योंकि हरामी तो हरामी होता है। और इस हरामी ने क्या किया ये मैं बता देता हूँ। अपने गुरु के नाम पे लेके खा रहा है, इसके गुरु ने एक औरत को पुजवाना है, उस औरत के हाथ में एक वीणा सी ले रहा है, वो कामाख्या माता नहीं है, कामाख्या के माता के नाम पे सीधा सीधा ढोंग है। वो इसकी गुरु की जो है रखेल थी और एक रखेल इसने पाल लिया है, दोनों की पूजा करवाएंगे संसार से। और इस तरह से जो है ये कार्य कर रहा है और आदमी कोई भी ठीक नहीं हो रहा है। आज ये 5वां आदमी आया है जिनमें से 4-3 को हम ठीक करके भेज चुके हैं और चौथी एक बहन जी ऊपर बैठी है परिवार को लेके, अगले 2 दिन में मनु भैया उसको भी भेज देंगे। और 5वीं ये बहन जी आई है और हर आदमी के पास ये नहीं है, यही है, दिखाओ। हाँ हमारे पास तो ये देखिए मार मुलक के भरे पड़े हैं, ये देखिए और मेरी वहां जाने वाले प्रत्येक आदमी से ये सिफारिश है कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और बुद्धि के प्रयोग से ये जाने कि ये आदमी आपको 3,550 रुपये या 3,350 रुपये की कोई भी रसीद नहीं देता है। इसने लड़कियां पाल रखी है 2,000-4,000 रुपये में, वो लोगों का माइंड वॉश करती रहती है, 20 कुंडे पाल रखे हैं और वो लोगों का माइंड वॉश करते रहते हैं, इसके अलावा वहां पे कुछ नहीं है। एक बहन जी आएगी, बहन जी आप एक बार आके यहाँ ये बता दो लोगों को कि मैं जो कह रहा हूँ क्या वो सत्य कह रहा हूँ और क्या यहाँ आपका 300 रुपये में इलाज हो रहा है और क्या मैंने उसके अलावा आपको कोई भी खर्च बताया? आपका रहना खाना पीना यहाँ फ्री है कि नहीं है? नहीं, सब पूरा फ्री है। जब से हम लोग आए हैं तब से मनु भैया के यहाँ सारी सुविधाएं हमें मिल रही हैं। वहाँ करौली से हम लोग लूट के आए थे, मतलब लूट लिया था उन्होंने बहुत पैसा मेरा, 55,000 रुपये कम से 1 रुपये का भी फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क। तेरे लड़के की हाजिरी बंद हुई? नहीं, बोले सब खत्म हो गया, सब हवन किया उसी में सब खत्म। अरे असर का संकल्प बता के लोगों को छोड़ दिया जाता है और वो लोग साल साल भर तड़पते रहते हैं। लेकिन अब पोल खुलने का समय आ गया, पोल उसको ये नहीं पता था मनु भैया के यहाँ से 10 आदमी आए हैं तो तेरे यहाँ से 1 लाख आदमी जाएंगे जो ठगे हुए हैं। एक एक आदमी के जरिए उसके गुरु जी की खाल उतारनी है। मैं स्टार्ट करूंगा, जूता लाओ, सब यही आएंगे। जूता लाओ, जूता, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। बढ़िया सी चप्पल ढूंढ के लेके आ रहा किसी बहन जी की। आपके बेटे को 2 दिन में कितना फर्क है? बहुत फायदा है उसको, उसकी हाजिरी आई बहन जी? हाजिरी आई उसकी दोबारा? दोबारा नहीं आई। हाँ, और कह दिन देखिए इसकी कोई हाजिरी बंद नहीं कर पाया ना, अब आती है हाजिरी? नहीं अब आज तो नहीं है, कल ही देखा, परसों से अभी इलाज चल रहा है। जिस टाइम इलाज किया उसी टाइम देखा, उसके बाद से उसकी कोई हाजिरी नहीं आई है। नहीं। हाँ देखिए बहन जी ये जूता देखो, पहले जूता, जूते का नंबर कितना है? 9 नंबर से पीट, 9 नंबर से पीटता हूँ, 9 नंबर 8 है। कितने नंबर से पीटू? 8 नंबर से। लो भाई ये कानपुर वाले की पिटाई देख लो सारी दुनिया, और मैं देखता हूँ ये साला करता क्या है। भगवान के भक्त को कोई डर नहीं होता। अब मैं देखता हूँ ये साला करता क्या है। बहुत बोलो, साले ने गंदे ने दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। अपनी रखेले पुजवा रहे हैं गुरु चेले माता के नाम पे, माता कामाख्या के नाम पे और भगवान शंकर के नाम पे। बहन जी तेरा एक जूता मारना तो बनता है, बाकी मैं देख लूंगा। एक क्यों ले, मार ले, 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 मुंह पे पड़े हैं साले के गुरु जी के। बचा साले कैसे बचाएगा अपनी इज्जत, अपनी नाक कैसे बचाएगा और अपनी शाख कैसे बचाएगा? मनु भैया का वादा है 8 महीने के अंदर जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और पब्लिक आने लगेगी, सुन ले कौवे नहीं बुलवा दिए तेरे, कितना ही पैसा खर्च कर लिए तू, मुझे नहीं डरा पाएगा। और क्या कहता है तू, कानपुर के बदमाश तेरे से क्या पूछते हैं? काम पूछते हैं साले, मैं बताऊंगा कानपुर के बदमाश क्या पूछते हैं तेरे से। कानपुर के अभी मारे भी गए हैं बदमाश, बढ़िया तरीके से मारे गए हैं, ये भी बात याद रख लियो। और क्या तू बैठा बैठा वहां हुक्म चलाता और पैसे कमा के क्या दिल्ली में? तू कानपुर का ही दरबार बचा लियो, दिल्ली की बात अलग है। मनु भैया का ये वादा है, आगे समझ में, भगवान की भक्ति छोड़ देंगे 8 महीने में मिट्टी में नहीं डला दिया तो अभी तेरे को बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ेंगे। शनि महाराज कभी किसी को नहीं छोड़ते हैं, तू क्या भाई बना बैठा है शनि महाराज का? तू क्या यमराज बना बैठा है? काला मुंह होने से यमराज नहीं बन जाता, काला मुंह होने से तेरे कालिक पुतेगी, ये बात याद रख लियो। जय शनिदेव भक्तो। और अब भक्तों इनके घर की सही मायनों में पुष्टि करके बताते हैं कि बहन जी के घर में बहन जी के बेटों को क्या था, जिसमें 150-150 प्रेत बताए गए थे, वहां पुष्टि करने वाला कभी से कोई नहीं रहा है। और अब जो पुष्टि कर रहे हैं उसको निकाल के दिखा रहे हैं बकायदा, और ऐसा एक ही दरबार है पूरी दुनिया में।
कि जिसको पुष्ट किया जाता है उसी की, जिसकी पुष्टि की जाती है और पुष्टि में जो निकलता है उसको बाहर निकाल के मनु भैया साथ के साथ दिखा रहे हैं लॉकडाउन के तुरंत बाद से ऐसे वो ठीक करके दिखा रहे हैं बकायदा भक्तों को। जय शनिदेव। नाम क्या आपका? राजपाल। कहाँ से हो? सोनीपत हरियाणा। बेटे का नाम क्या? गौरव रोंगा। सास का नाम क्या? अरे मैं जी घर के बीच में जितने भी दिक्कत है सारी भूत प्रेत की प्रॉब्लम है। ठीक है, आज से नहीं अगर देखा जाए तो आपके आने से पहले की प्रॉब्लम है, जब आपकी शादी भी नहीं हुई थी घर से, जब से ज्यादा चल रहा है ये जितनी भी प्रॉब्लम है सुनहरी देवी के नाम की प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, सब कुछ है, इसी वजह से आपके घर के ही लोग जलते हैं। करवाने वाला भी पता है, सब कुछ पता है, कैसे है क्या नहीं है। करवाने वाले को छोड़ के पहले ये बता देता हूँ आपके ऊपर क्या है। जैसे आपको देखा जाए आपकी सास को प्रॉब्लम थी तो आपको भी दिक्कत रहती है, जैसे शरीर के बीच में दबाव रहते हैं, पर आपके देखा जाए तो गन काफ़ी कमज़ोर नहीं है, कैसे कहने का मतलब काफ़ी तेज है, शरीर के बीच में दबाव रहते हैं, रात को सपने अजीब अजीब से आते हैं जैसे ड्रामने से, एक चीज़ आती है वाइट कुर्ते पजामे में डाल के जैसे आदमी दिखते हैं, ऐसे कहता है तेरा सर्वनाश कर दूंगा, सारा खानदान खत्म कर दूंगा, जितना कोई आदमी जितना भी बोलेगा कहेगा लेके जाऊंगा किसी भी चीज़ को, बकायदा दो बार सपने के बीच में तेरी टकरार हुई है, दिखेगा मलिन काम होएंगे, सब कुछ होएंगे, आंखों में भारीपन महसूस होएगा, सुबह उठेगी तो शरीर चूर चूर होएगा। उसके अलावा भी लड़के को लेके, लड़के को आज की प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम वो 8 या 10 साल का था, पहले भी बीमार हुआ आपका लड़का, जो इसके ऊपर कम से कम 3 बार क्रिया हो चुकी है। अच्छा। पहले तो इसके नाम की गणंत करके देख रखी है, इसका सर भारी होने लग गया था धीरे धीरे, उसके बाद एक बार एक्सीडेंट होके बच चुका है ये। ठीक है, वो गणंत का ही सारा कमाल था, उसके बाद देखा करने वाले लड़के को कुछ नहीं, और उसके बाद इसके ऊपर यंत्र क्रिया करी गई है। अच्छा। यंत्र क्रिया करने के बाद कम से कम 1.5 महीने बाद इसके नाम की बलि दी गई है। अच्छा। बलि देने के बाद इसको क्या हुआ, कम से कम ये 12 साल से ज्यादा ये चीज भोग रहा है। अच्छा। करता इसके ऊपर चुड़ैल है, वो भी काफी हद तक कटी हुई है, कहने का मतलब पैरों से नीचे लेके कटी हुई है। अच्छा। आपने कम से कम 12 साल से कहीं ना कहीं दिखा रहे हो, पिछले 4 साल से आपने किसी भगत को दिखाया, बालाजी का पूजा करने वाला था बजरंग बली की, उसने कम से कम यही प्रेत काटा, और जितना मर्जी आपने धक्के खा लिया कभी कुछ इसी का कुछ नहीं बिगड़ा। आपके घर में एक आदमी प्रेत अलग से, एक चुड़ैल है, एक जिन के रूप के बीच में आदमी रहता है, वो कभी कभी आता है आपके घर में। अच्छा। उसका काम क्या है, घर के जितने भी जीव माइंड स्ट्रेस के बीच में हो जाता है और लड़ाई झगड़ा बैठे बैठे ही हो जाता है, पुष्टि कैसे होती है समझ में आ गया। केवल 3 प्रेत है आपके घर में, 150 प्रेत नहीं है, सुन लो करौली कानपुर जाने वालों, सुन लो कितने प्रेत है, 3 प्रेत है केवल, और उसका क्या बनाया हुआ है, हवा बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, हवा। आप वीडियो में पहले मैसेज करते हैं तो आपको 100-150 प्रेत बता दिए जाते हैं, ऐसा कभी होता नहीं, फिर भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मैं जिन लोगों का फोन नहीं उठा पा रहा हूं, हमारा धाम नया बनने लग रहा है, मेरे को वहां बीच बीच में जाना पड़ता है और मैं बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल में चल रहा हूं, ताकि आप लोगों को बहुत जल्दी धाम आपको बना के दे सकूं, वहां पे जो शेड डाली है उसमें लोगों के बैठने का इंतजाम कर सकूं, जिससे आप लोगों को राहत मिले और जल्दी जल्दी मैं लोगों को ठीक कर सकूं। अभी जमीन ली है, उसके बाद जो है ना हम उसमें आगे मंदिर का निर्माण शुरू कराने जा रहे हैं, तो उससे पहले बैठने की हम जगह व्यवस्था कराने जा रहे हैं, जहाँ पे व्हाइट वॉश वाले लगे हुए हैं, 4 से 5 दिन बाद मैं जो वीडियो डाल दूंगा आप उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो के माध्यम से आप वहाँ पहुँच जाना, वही परमानेंट एड्रेस होगा। अब के बाद एक बात, दूसरा जितने भी वहाँ लोग जाने वाले हैं ये बात ध्यान रखें, आपको असर का संकल्प बता के 5-5 महीने, और खुद उन्होंने वीडियो बना के बताया हुआ है कि 2.5 साल तक भी रह सकता है, तो इस तरह आपको बहकाया जाएगा। आपको जो ये अमावस्याएं कराई जाती है इसलिए कराई जाती है ताकि आपके 45 से 50 दिन जो है रुड़क जाए, निकल जाए, ठीक है ना, और जब वो निकल जाएंगे तब आपके हाथ तब भी कुछ नहीं आना है, आज भी कुछ नहीं आना है, आप 35,000 रुपए दे के आओ मनु भैया के पास, आखिर में आपको आना यहीं पड़ेगा। और सुनो, मंदिर बनने के बाद मैं वैसे ही 100 रुपए की क्रिया कर दूंगा, और ये मनु भैया का वादा है पूरे जगत से, पूरे संसार से, और आज तक भी मेरा किसी पे दबाव नहीं था, फिर भी किसी ने पैसे मांगे तो मैंने वापस दे दिए, और ऐसे ऐसे दिए हैं कि लोग समझ नहीं पाएंगे, और सब गरीबों की मदद की, सब भाइयों को अपना समझा, सबसे बात की, सबके निकट रहा, और सबसे रोजाना जो है मुखातिब हुआ। फिर भी कोई आदमी इल्जाम लगाता है तो वो स्वयं गंदा है, गंदे को गंदगी ही दिखाई देती है। इस व्यक्ति ने इल्जाम लगाया, लोगों ने मेरे को रोका कि आप मत बोलिए, आपका जो दर्जा है वो बहुत ऊंचा है, लेकिन मैं अपना दर्जा ऊंचा नहीं मानता। जब एक आदमी बहुत गंदगी फैला देता है तो उसको रोकना लाजमी होता है, क्योंकि आगे संसार में और भी ज्यादा गंदगी फैला सकता है। एक बात, दूसरा ये दूसरों को केवल स्ट्रेस दे सकता है, और ये सोच सकता है क्या कहते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, इसका ये भ्रम भी तोड़ना जरूरी था। शनिदेव महाराज जीते जी किसी का कभी भी अभिमान नहीं छोड़ते, तो इसके जीते जी इसका अभिमान निकाल के दिखाऊंगा, शनिदेव महाराज की शपथ है, शनिदेव महाराज से कह के ही और शनिदेव महाराज के सामने ही।
ठीक है, और जीवित रह के, ऐसा नहीं मर के, जीवित रह के, फिर भी अगर ये आदमी कुछ कराना चाहे तो इसकी हर तरह से छुट्टी है। 10-20-50 लाख गुंडों को देके कुछ कराना चाहे, क्योंकि पैसा इसके पास बहुत है। क्या है? पैसा बहुत है, क्योंकि इसने ठगा है। इससे अच्छा काम, नेकी का काम आज तक हुआ नहीं है, बुराई के काम इसने किए हैं। इस पूरे लॉकडाउन में किसी गरीब को उसने खाना नहीं खिलाया है। अपने आश्रम में जितने थे उनकी भी 1200-1200 रुपए की दोनों ना, अगर उनको खाना भी खिला रहा था तो 1200 रुपए की रोज कटिंग हो रही थी किराए के नाम पे। आगे समझ में? और मुफ्त में इसके यहाँ कुछ नहीं है, ये जिस तरह का कुत्ता है केवल धन बटोरने वाला है और कुछ नहीं है। इसकी लालसा जागृत हो गई है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि अंतिम समय में लक्ष्मी भी इसके काम नहीं आएगी और इसके गुरु की मुक्ति नहीं हुई और ये जमपुर पहुंच के रहेगा, जहन्नुम में जाके रहेगा। इसको कभी भी जो है मुक्ति नहीं, मैं इसको मरने के बाद भी मुक्ति नहीं लेने दूंगा, ये मेरा वादा है। ऐसे आदमी की कभी मुक्ति नहीं होगी। और आज जितना पीटा है इसके मरने के बाद इसको ज्यादा पीटा करूंगा, इसकी आत्मा को हमेशा पकड़ के रखूंगा सदा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए और लोगों के मुख से बुलवा बुलवा के पीटा करूंगा। आगे समझ में? ऐसा मैं इसके साथ करने वाला हूँ, क्योंकि इसने बदतमीजी बहुत की। 1 साल तक मैं भोगता रहा। जो आदमी सब माताओं बहनों को बहन मानता है, जो केवल राखी का त्योहार मनाता है और जिसके भगवान ही गुरु है, उस व्यक्ति को जब ये छेड़ सकता है तो ये किसको नहीं छेड़ेगा। इसलिए इसके मैं आज से पर काटना स्टार्ट कर दिया मैंने पिछले सप्ताह से। आगे इसको 1-2 महीने में इसके इतने पर काट दूंगा मैं, लोग जान जाएंगे, जनता जान जाएगी और जनता जागरूक होने लग रही है। सबको पता है हमारा असर का संकल्प बाकी है, फिर भी जिसके असर का संकल्प बाकी है वो यहाँ आए। वीडियो में जगह नहीं है तो जगह दूंगा, भाई आप मत लाओ, जगह नहीं है तो जगह दूंगा और क्या कहते हैं उसको ठीक करके ही यहाँ से भेजूंगा। मनु भैया का वादा है, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े, इतनी मेहनत की है तो और भी करूंगा। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए और इसके गुरु के लिए चैलेंज है, अगर मेरे साथ आसन पे बैठ जाए 18 घंटे तो मान जाऊंगा मूंछ नहीं रखूंगा 18 घंटे तक, हर रोज लगातार 1-3 साल बैठा हूं मैं। और इसको भी मैं बैठाना चाहता हूं कि ये लोगों को ये बता दे कि इसने एक पल भी एक दिन भी साधना की है, क्योंकि ये बताता है ये साधना नहीं की है। साधना नहीं किया तो लुच्चा है, ठग है, और क्या कहते हैं, इसने भगवान का कभी एक जगह बैठ के नाम नहीं लिया है। ये कहता है सबको गुरु की कृपा होती है। अरे ऐसे गुरु की क्या कृपा होती है जो माता की जगह अब क्या कहते हैं अपनी अय्यासियां जो है ना लोगों से पूजवा रहा है, एक औरत को वीणा दे के बैठा रखा है और माता कामाख्या के नाम पे उसकी पूजा करा रहा है। ये बात मनु भैया जानते थे पहले भी, लेकिन अब ठोकर लगा के खोलूंगा दुनिया के इसके सबसे बड़े रहस्य। अभी और भी बहुत सारे रहस्य है, अगर इसने आके समय मांग ली तो मैं वीडियो भी डिलीट कर दूंगा और क्या कहते हैं इसका दरबार भी बेशक चलता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर क्षमा नहीं मांगी है इसने आके यूट्यूब पे, तो अभी बहुत सारे रात, क्योंकि इसके 1000 मैसेज मेरे पास ऐसे हैं जो इसने सारे कर्म किए हैं। मनु भैया पे आज तक भी एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मनु भैया का कोई केस दर्ज नहीं है और मनु भैया ने जिंदगी को सादगी से जिया है और सबसे बड़ी बात हमेशा नेक काम किए, अच्छे काम किए, पढ़ाई में भी अव्वल रहा और भक्ति किया भगवान की, जिसको कहते हैं भक्ति। और हर 40 दिन के बाद 40 दिन फिर 40 दिन के बाद 1 दिन छोड़ 40 दिन फिर 40 दिन के बाद 1 दिन छोड़ 40 दिन, ऐसे करके 6 साल लगातार साधनाएं की हैं, भगवत प्राप्ति की है, शनिदेव महाराज की प्राप्ति की है। लेकिन चूंकि शनिदेव का भक्त हूं तो डरूंगा भी नहीं इससे, इसकी खाले ऐसे उतेरता रहूंगा, ऐसे जूते लगते रहेंगे इसको और इसके गुरु को, और वहां पे कौवे बुलवा के हटेंगे हम शनिदेव महाराज का जो वाहन है। जय शनिदेव भक्तों। जय शनिदेव।